A very good evening to all of participants and members of our teacher educator के साथ उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षक शिक्षा में और शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान दिया है, आपने सुना भी होगा सर को, आदरणीय प्रोफेसर उमेश चंद्र वशिष्ठ सर, उनका मैं इस वर्चुअल मंच पर इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह व्याख्यान हमारी व्याख्यान श्रृंखला पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा व्याख्यान माला के अंतर्गत आज आठवां व्याख्यान है जिसका विषय है सम रेफरेंसेस फॉर टीचर एजुकेटर्स। पिछले साल कोविड पैंडेमिक में जब हमने एक लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की थी भारत पढ़े ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत, तो हमें सर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो मिला था वो लेक्चर भी सर का एक यूनिक लेक्चर था और गाइडेंस के साथ साथ एक प्रेरणा जो मिलनी चाहिए कि हमें एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक प्रशिक्षक होने के नाते कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, वो सीधे उस लेक्चर में आई थी। एक बार सर से हमने पुनः जब आग्रह किया तो सर ने कहा कि इस बार फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं उनके लिए कुछ रेफरेंसेस को मैं रखूंगा। तो जाहिर सी बात है कि ये फिर से आज का लेक्चर इस मामले में बहुत अलग होने वाला है और सीधे मार्गदर्शन देने वाला है, क्योंकि आप सब सहमत होंगे पुस्तकें एक बहुत बड़ा साधन है, संसाधन है, या हम कहें उपकरण है, जिनसे हम सभी अपने ज्ञान की संरचना करते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान खोजते हैं और समाधान पाते हैं। तो इस कड़ी में कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे टीचर एजुकेशन कोर्सेज को अभी हाल ही में ज्वाइन किए हुए हैं और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए सर का एक परिचय जिससे कि हम सभी लोग मोटिवेट होते हैं। सर ने जो काम किया है, सर का जो एक कार्य क्षेत्र रहा है वो आप सभी के सामने रखना अत्यंत ही आवश्यक है। आदरणीय उमेश चंद्र वशिष्ठ सर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आप वहाँ के विभागाध्यक्ष रहे, आप वहाँ के संकाय प्रमुख भी रहे और पिछले 38 वर्ष से अधिक आपने एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इंदौर में भी आपने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। सर मूलतः साइंस एजुकेशन, आप सर एमएससी बॉटनी सर ने किया और सर ने जो अपना रिसर्च वर्क किया था, आप उस टॉपिक को सुनेंगे तो आपको खुद ही लगेगा ये एक बहुत अच्छा कार्य उस समय, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिज्मिक व्यू पॉइंट्स इन बायोलॉजी एंड देयर ट्रेस इन एजुकेशन, सर ने इस पर कार्य किया था अपने पीएचडी में। इसके अलावा जो सर का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसको हम कहें, वो बेसिकली हमने बहुत सारे व्याख्यान सर के सुने हैं, आप सब ने भी सुने होंगे जो शिक्षक शिक्षा में या शिक्षा में कई वर्षों से हैं, फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, गांधीयन थॉट, सर का इस पर भी बहुत बड़ा काम है। कुछ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप लोग जुड़ते रहें, जल्दी ही व्याख्यान शुरू होने वाला है। टीचिंग ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट और प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन, सर का ये भी स्पेशलाइजेशन है। 33 पीएचडी थीसिस अवार्डेड टिल डेट एंड 7 पीएचडी वर्क इज इन प्रोसेस, अभी तक 33 पीएचडी अवार्ड हो चुकी है सर के अंदर में। 20 से अधिक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट,
सर के सर ने किए हैं, जिन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सार्थक योगदान दिया है। आप पब्लिकेशंस की बात करें, 2 मोनोग्राफ्स, 30 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और कई पेपर्स आर्टिकल्स सर के रिसर्च नेशनल सेमिनार में, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सर ने प्रेजेंट किए। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, 50 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस सर ने अटेंड की हैं, 25 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए और 150 से अधिक, मोर देन 150 टॉक्स या हम कहें लेक्चर्स डिलीवर्ड किए उन्होंने डिफरेंट फोरम्स में। ही हैज विजिटेड यूएसए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर डेवलपिंग एंड OMOU फॉर कोलेबोरेशन इन टीचर एजुकेशन, विजिटेड वेरियस यूनिवर्सिटीज इन मिनियापोलिस, टेक्सास एंड न्यूयॉर्क इन 2007, 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2019। ही हैज ऑफर्ड वेरियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एडवाइजरी एक्सपर्टाइज एज ए एक्सपर्ट ऑफ द कमिटी, एज ए एक्सपर्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर इन UGC, NAC, CBSE, डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेज एंड स्कूल्स थ्रू आउट द इंडिया। एज ए एक्सपर्ट, एज ए विजिटिंग फैकल्टी, सर हैज रेंडर्ड सर्विसेज फॉर केस बड़ौदा, NCTE, एट प्रेजेंट सर इज मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इज आल्सो विजिटिंग टीम एक्सपर्ट UGC, NCERT, NEPA, ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री। और सर को कई अवार्ड भी मिले। एक शिक्षक के रूप में अगर हम देखें, शिक्षक को शिक्षक के रूप में देखें, तो आपके जितने विद्यार्थियों से मैं मिला हूं सर, वो भी हमसे काफ़ी सीनियर हैं, तो चर्चा होती है सर। आप, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी सुना हूं और उससे लगता है सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, एक प्रेरणादायी शिक्षक हैं, उनसे कैसे पढ़ाया जाए सीखने को मिलता है। तो सर बेस्ट टीचर अवार्ड सर को मिल चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, शिक्षक श्री अवार्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर को शिक्षक श्री सम्मान से विभूषित किया। शिक्षा सम्मान RBS कॉलेज आगरा में नेशनल सेमिनार के दौरान सर को प्राप्त हुआ। एक्सीलेंट टीचर अवार्ड का भी सर को मिला, एक्सीलेंट टीचर अवार्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, एंड शिक्षा श्री अवार्ड बाई सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट चेन्नई, चेन्नई की संस्थान सर को शिक्षक श्री अवार्ड से विभूषित किया। एक गांधीयन थॉट पे सर ने बहुत काम किया है और उसका अंदाजा आपको इससे लग सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में सर ने सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज, सेंटर फॉर जनरेशन ऑफ नॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, इतने सेंटर्स सर ने वहाँ पर इस्टेब्लिश किए और उनके सर फाउंडर डायरेक्टर रहे। तो ये सर का एक परिचय है जो हम सभी लोग जो अभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े हैं उनको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। हम लोग को सर को बहुत पहले से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सर का अनुभव, सर का मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सर का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस वर्चुअल मंच पे अपनी ओर से, व्यक्तिगत रूप से और आप सभी प्रतिभागियों की ओर से जो कि काफ़ी संख्या में आप जुड़ चुके हैं, मैं सर को आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। सर आप सादर आमंत्रित हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी को जो इसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, उनको आप गाइड करें सर। धन्यवाद सोमू सिंह जी। पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये अनुरोध करूंगा, मुझे नहीं मालूम इन सेटिंग्स में कहीं ना कहीं
बड़ा अच्छा लगता है यदि मैं पार्टिसिपेंट्स को भी देख पाऊं, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो मुझे देख पा रहे हैं किंतु मैं पार्टिसिपेंट्स को नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, पार्टिसिपेंट को सब देखने का विकल्प इसमें नहीं है, बस उनके कमेंट्स नहीं है। नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि लखनऊ के किसी प्रसिद्ध कॉलेज में 1960 के आसपास मुस्लिम शिक्षा में कहीं चर्चा थी, तो उसमें मैंने सुना था कि लड़कियां कॉलेज में बैठती थी और उनके आगे पर्दा लगा रहता था और उधर दूसरी पार अध्यापक पढ़ाता था। चलिए आज मैं यूं सही कि 1960 के वातावरण में जी रहा हूं। खैर, प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का इस व्याख्यान माला में स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, जिसमें कि विशेष और मूलतः डॉक्टर सोमू सिंह जी ही BHU से हैं, जो कई सालों से इस क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ अपने विचार कुछ शेयर करने के लिए। 3 पीढ़ियों से अध्यापक हूं। इस श्रेणी में बल्कि मेरे घर के परिवार के 20 लोग अध्यापक हैं, चाहे मैं भाई की बात करूं या भाभी की बात करूं या पिता की बात करूं या ताऊ की बात करूं या चाचा की बात करूं या पत्नी की बात करूं, सभी अध्यापक हैं। अध्यापकों में भी विशेष रूप से यदि टीचर एडुकेटर हो जाए, अध्यापक प्रशिक्षक, तो मैं थोड़ा व्यंग्य की भाषा में कहूंगी करेला और नीम चढ़ा, तो बात फिर अलग हो जाती है। अध्यापक अच्छा कौन है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ये एक अलग विषय है। मैं एक अलग इसका लेक्चर दिया करता हूं, द मेकिंग ऑफ ए टीचर, एक अध्यापक का निर्माण, वो एक अलग प्रश्न है। मैं फिलहाल आज यही कहूंगा कि अध्यापक के निर्माण की प्रक्रिया में यूं तो बहुत से आयामों का योगदान रहता है, जिनकी मैं आगे चर्चा भी करूंगा। यहां अभी मैं श्री आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कोटेशन से शुरू करूं। ए लैंप कैन नॉट बर्न अनदर लैंप एंड ए टीचर कैन नॉट टीच अनदर स्टूडेंट टिल द लैंप इज बर्निंग इटसेल्फ एंड द टीचर इज लर्निंग इटसेल्फ। एक दीपक दूसरे दीपक को जब तक नहीं जला सकता और एक अध्यापक दूसरे को जब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वो खुद ना चल रहा हो और अध्यापक खुद ना सीख रहा हो। सीखने के लिए बहुत माध्यम है, औपचारिक शिक्षा एक है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित माध्यम है औपचारिक शिक्षा, किंतु उसकी भी बहुत सी सीमाएं हैं। और मैं इसी बात को इंगित करके अपनी बात कह रहा हूं कि चूंकि अध्यापक प्रशिक्षण में औपचारिक शिक्षा की सीमाएं हैं, इसीलिए अध्यापक के निर्माण में बीएड एमएड या बीएलएड के प्रोग्राम्स की जो सिलेबस है या जो करिकुलम है, टोटल मिलकर सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूशन, उस सब की भी लिमिटेशंस हैं। व्यक्ति एनवायरमेंट से सीखता है, अपने क्रियाकलापों से सीखता है, ज्ञान से सीखता है, किंतु मेरा मानना है, और ये एक बड़ा प्रश्न है, मैं फिर इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल थोड़ा सा रनिंग रिमार्क दूंगा, सबसे ज्यादा एटीट्यूड है जो एक अध्यापक को बनाने में मदद करता है। एक अध्यापक के बनाने में सबसे पहला फैक्टर एटीट्यूड है, जो कि फिर वातावरण से आता है। 3 मार्ग माने जाते हैं ना, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। मैं आज भी भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मानता हूं, हालांकि हमारा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में रीडिंग को हम इंपॉर्टेंस देते हैं।
दिक्कत यह है, और ये बड़ा रोना है, जब भी हम दो चार अध्यापक आपस में, दो चार के साथ में मिलता हूं, थोड़ा अलग तरह के अध्यापक होते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि आज हमारे छात्रों की, अध्यापकों की और अध्यापक प्रशिक्षक तीनों की रीडिंग हैबिट्स कमजोर हुई है। एक ब्रिटिश थिंकर राइटर हुए हैं विलियम प्लॉमर, उनका एक आर्टिकल है द प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, जिसमें कि और हमारा जिसमें कि ये बात कही गई है कि पढ़ने से क्या क्या आनंद मिलता है। एक अच्छी बात यह है और खासी अच्छी है कि आज हम अध्यापकों को या अध्यापक प्रशिक्षकों को, मेरे मेंटर प्रोफेसर सोढ़ा कहा करते हैं कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी आर पेड फॉर अवर हॉबीज। पढ़ने की यदि किसी को हॉबी है तो उसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है कि हम अपनी हॉबीज को पूरा करें। भारत में हिंदी में बहुत से लोगों ने लिखा है, साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य के यूं तो बहुत बेसिकली मूलतः शुरुआत में जो आया था एक ही बड़ा उद्देश्य आया था, वो था एंटरटेनमेंट करना, किंतु कालांतर में साहित्य के बहुत से उद्देश्य हो गए। प्रेमचंद जी ने, श्रीमान प्रेमचंद जी भारत के सम्राट कहे जाते हैं, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, उन्होंने कहा था कि साहित्य समाज के निर्माण का हिस्सेदार है। खैर, मैं मूल बात पे आऊं, पढ़ना। मैंने आज की बातचीत में 20-25 किताबें और 20-25 फिल्में चूज की हैं, चयन किया है, और मेरा मानना है कि हर अध्यापक को या अध्यापक प्रशिक्षक को विशेष रूप से इन किताबों को पढ़ना ही चाहिए, इन फिल्मों को देखना ही चाहिए, और इसका कोई विकल्प नहीं है। यूं तो मेरे पास मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में लगभग 10,000 किताबें हैं, पर मैंने उसमें से आज के लिए 25 छांटी हैं। 25 भी दरअसल लोभ संवरण नहीं कर पा रहा था, पहले 28 हुई, 30 हुई, 32, 30, 32 तक है, उनको भी फिर मैंने ग्रुप किया है, तब कर 25 के आसपास की संख्या बनी है। मेरा मानना है कि अच्छा बीएड या एमएड के प्रोग्राम में अध्यापक बनने के लिए जो किताबें पढ़ना, उससे न केवल जागरूकता आती है बल्कि जीवन के विभिन्न रंग भी जान या विविधताओं को जानने का मौका मिलता है, दर्शन, जीवन दर्शन को जानने का मौका मिलता है, नवाचार जानने का मौका मिलता है, देश प्रेम को जानने का मौका मिलता है। देश प्रेम से भरी किताबें या फिल्में हैं, स्पिरिचुअलिटी और एंटरटेनमेंट तो है। तो इस दृष्टि से मैं अब इन एक एक करके इन किताबों का नाम ले रहा हूं। कुछ किताबों को मैंने ग्रुपिंग की है, दो या तीन किताबों की, हालांकि उसमें एक, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि एक अलग से सीरीज शुरू करनी चाहिए हमें। और मेरे दामाद प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी बार बार मुझसे कहते हैं कि कुछ अलग से ऐसी सीरीज शुरू की जाए। उसी श्रृंखला में मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि एक बार में यदि बुक रिव्यू शुरू किए जाए टीचर एडुकेटर्स के लिए, जनरल के लिए, एक बार में एक ही किताब की आधा या एक घंटे चर्चा की जाए, इस तरह की सीरीज निकाली जाए। बहुत कुछ ऑनलाइन में पॉजिटिव भी किया जा सकता है। खैर, इन सबको छोड़ें। 1970 के आसपास एक आंदोलन चला और उसकी एक दुनिया को तहलका मचाने वाली किताब आई हिंदी में, जिसका अनुवाद हुआ स्कूल भंग करो। इवान इलिच की स्कूल आई, डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच साहब ने वैसे तो 7-8 किताबें लिखी हैं, पर उनमें मैं तीन किताबों को विशेष रूप से कहूं। डी स्कूलिंग सोसाइटी, आफ्टर डी स्कूलिंग व्हाट, और एनर्जी एंड इक्विटी,
मेरा मानना है कि हर अध्यापक को इन किताबों को पढ़ना ही चाहिए। मैं इसी सीरीज में एक दूसरी किताब पॉल गुडमैन स्कूल इज डेड एंड एवरेट रीमर कंपल्सरी मिस एजुकेशन, इन तीन किताबों को मैं कहूंगा। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं केवल एक शब्द कहूं, एक वाक्य कहूं। किसी ने कहा है कि स्कूल, मैंने सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई किया है अपने अनुसार, स्कूल वे वधशालाएं हैं जहां बच्चों की उत्कंठाओं का जिबह यानी कत्ल शनह शनह और शांतिपूर्वक पहले 12 साल में और अब 15 साल में किया जाता है, क्योंकि अब हमने LKG UKG और नर्सरी जोड़ दिए हैं। इवान एलिस्बी यही बात कहते हैं, स्कूल बच्चों की क्रिएटिविटी को नष्ट करता है, सृजनशीलता को नष्ट करता है, स्पॉन्टेनिटी को नष्ट करता है, मोनोटोनी लाता है। स्कूल एक जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को रोकता है, इसीलिए एक उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जो स्कूल के बिना रहे। इस पर सारी दुनिया में शोर मचा, बहुत बातें उठी, ये उठा कि स्कूल को हटाया जाए, क्या स्कूल समाज, क्या कोई समाज स्कूल विहीन हो सकता है। फिर इसके फेवर में बात आ गई, पॉल गुडमैन और एवरेट रीमर आ गए, कंपलसरी मिस एजुकेशन की बात की जाने लग गई। कि आप जबरदस्ती मारोगे भी और रोने भी नहीं दोगे, स्कूल में पढ़ाओगे भी, पढ़वाओगे भी और मारोगे भी, और ढंग के हमें बर्बाद भी करोगे। मेरे गुरुजी प्रोफेसर बी के पासी का बेटे डॉक्टर प्रवर पासी कहा करते हैं कि, मतलब उनका ये कहना है कि आई एम व्हाट आई एम इन स्पाइट ऑफ स्कूलिंग। इसके अनेक एनेक्डोट या मजाक आए, और ये कल्पना, ये बात सारी दुनिया में सुधारवादी एक आंदोलन हुआ, और अंत में इवान इलिच साहब को अपनी दूसरी किताब निकालनी पड़ी कि मेरा स्कूल से मतलब, स्कूल से समाज से, स्कूल को जीरो करना नहीं है, खत्म करना नहीं है, मेरा तात्पर्य स्कूलों में एक सुधारवादी आंदोलन लाने की बात है। उसके लिए डी स्कूलिंग सोसाइटी एंड आफ्टर डी स्कूलिंग व्हाट पढ़ना चाहिए। इसी सीरीज में एक और किताब आई पॉलो फ्रेरे साहब की, उसने फिर आंदोलन दिया। पॉलो फ्रेरे को कुछ लोग कहना ब्राजील का गांधी कहते हैं, उस तक से कंपेरिन हुआ। पॉलो फ्रेरे साहब की अभी 20-25 साल पहले ही डेथ हुई है। पॉलो फ्रेरे साहब की किताब ने एक नए तरह का आंदोलन लगाया, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, दलितों का शिक्षण। भारत में इस किताब का 3 अलग अलग संस्थाओं ने अनुवाद किया, और अनुवाद बड़ा अलग अलग रहे, किंतु मेरी जो नाराजगी सी रही इन तीनों किताबों से कि अनुवाद बहुत सरल भाषा में नहीं था। हालांकि बहुत सी कठिन टर्म्स पॉलो फ्रेरो साहब ने दी, संचेतनीकरण, कंसेंटाइज,
जी सर, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा एक मिनट पहले जी। बीच में सर नेटवर्क Am की I वजह से audible आप। now? हाँ ऑडिबल सर, ऑडिबल ऑडिबल Audible? जी सर, Fine. ऑडिबल। तो एक फिर नई आवाज उठी और पहले फ्रारे साहब ने करी उसकी समाज शास्त्र क्या है, उसका समाज शास्त्र क्या है, वे क्या हालात हैं, वे क्या स्थितियां हैं जिनमें वो सब कुछ जानते हुए भी देखते हुए भी बिल्कुल चुपचाप रहता है। और इसके वो गरीब की कौन सुनेगा, कौन सी व्यवस्था गरीब की बात सुनेगी, ये सारी बातें इस किताब के द्वारा की गई। एक और किताब इस सीरीज में आई जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जॉन होल्ट की। मुझे लगता है ईगो हो रही है, मैं ईगो करता हूं। जी सर। यस अब शुरू। जॉन होल्ट की किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये तो मेरी कहानी है। मैं इस बात को बिना किसी गुरेज के शेयर करना चाहूंगा कि मैं स्कूल स्तर तक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट रहा था। बीएससी में दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी थर्ड क्लास थी, क्योंकि मेरे 8% नंबर थे और वहां मिलती थी 50% पर सेकंड डिवीजन। कालांतर में मैंने एमएड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला, मुझे किया और फिर सफी में गोल्ड मेडल मिला। तो मैं जब ढक्कन था अपनी क्लास में पीछे बैठता था, अपनी क्लास में मास्टर से बचने के तौर तरीके जानता था, तो मुझे लगा कि दूसरे चैप्टर में जॉन होल्ट साहब मेरी बात कर रहे हैं। बच्चे असफल कैसे होते हैं, हाउ चिल्ड्रन फेल इज ए वर्ल्ड क्लासिक, और मेरा मानना है कि दुनिया के हर शिक्षक को इस किताब देखना, इट्स ए वंडरफुल बुक विदाउट डाउट। खैर मैं आगे बढ़ू, इसी श्रृंखला में दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय शिक्षा संस्थान जहां मैंने बीएड एमएड एमफिल किया और वहां भी 2 साल पढ़ाया, अभी वहीं की लाइब्रेरी में मुझे एक किताब मिली जो दोबारा कहीं नहीं मिली। मारिया विक्टोरोवा ऑथर हैं, मारिया विक्टोरोवा की किताब का नाम है द डायरी ऑफ ए स्कूल टीचर। उसमें उसने बताया कि कैसे गरीब बस्ती में डाउन टाउन दलित बच्चों कैसे उसने व्यक्तिगत संवाद स्थापित किया, बच्चों को कैसे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, इसका एक शानदार नमूना है द डायरी ऑफ ए स्कूल टीचर। फिर मैं शिक्षा के बारे में भारत के सबसे बड़े लेखक और चिंतक का हवाला दूंगा, गिजू भाई वधे का। मैंने अपने जीवन में ये एक नियम सा बना रखा है कि जहां कहीं भी बीएड में जाता हूं या बीएड कॉलेज टीचर्स या यूनिवर्सिटी टीचर्स से बातचीत करता हूं तो 3 किताबों का जिक्र करता हूं। क्या आप 3 किताब अक्सर 3 अक्षर नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं सुना होता, और फिर शिक्षा भारतीय व्यवस्था पर होंगे। हालांकि उन्होंने 125 से भी ज्यादा, 125 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन सबसे पहली और अप्रतिम किताब जो उनकी है, 16 किताबें उनके टीचर एडुकेटर्स के लिए हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि उन 16 किताबों को गूगल पर ढूंढिए और उन 16 किताबों को पढ़िए। सबसे पहली है देवा स्वप्न।
द्विवाह सपनों एक वकील की कहानी है, जो शायद उनकी अपनी पर्सनल कहानी थी, व्यक्तिगत कहानी थी। वो अपनी वकालत छोड़ देता है और स्कूल में प्रैक्टिस करने जाता है, और स्कूल में प्राइवेट स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। पढ़ाने के दरमियान, पढ़ाने के दौरान उसको जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों को वो लिखता है, बयां करता है। इट्स ए वंडरफुल बुक। फिर इस चीज के साथ में शिवानी की आमादेर शांति निकेतन, हालांकि शिवानी जी ने और बहुत सी किताबें लिखी हैं, स्मृति कलश वगैरह, पर आमादेर शांति निकेतन एक अद्वितीय पुस्तक है। कोई व्यक्ति शांति निकेतन में टैगोर साहब के अनुभव, उनके जो क्रियाकलापों को देखना चाहे, उसके लिए सबसे शानदार पुस्तक है। आमादेर शांति निकेतन में बहुत ही सरल, सहज रूप में, कहानी रूप में शांति निकेतन और श्री निकेतन वातावरण गया है। और मैं मानता हूं कि प्रत्येक बीएड के छात्र को, एमएड के छात्र को और अध्यापक को इस किताब को पढ़ना ही चाहिए। गिजू भाई, आमादेर शांति निकेतन, दिवा स्वप्न, आमादेर शांति निकेतन। और एक और तीसरी किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने देश की कम से कम 50 भाषा, दुनिया की कम से कम 50 भाषाओं में, देश की कम से कम 15 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, तो चान। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में, जब जापान नष्ट हो चुका, वहां एक टूटे हुए रेलवे के डब्बे में स्कूल चला, उस स्कूल में क्या अनुभव हुए, वो प्राचार्य ने किस अनूठे ढंग से वहां एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी, जो फिर मैं कहूंगा कि बहुत चैलेंजिंग है, हर व्यक्ति को इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए किताब को। खैर, मैं यहां 5 लोगों का और नाम लूंगा, मेरा स्पष्ट मानना है। देखिए, मैं फिर और जो मैंने कहा भी था, हमारा पर्पस क्या है बीएड में, मैं किताबों की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि किताबों से जागरूकता बढ़ेगी, जीवन के विभिन्न आयाम और रंग और विविधताओं को हम जान पाएंगे, जीवन दर्शन, नवाचार, देश प्रेम, स्पिरिचुअलिटी और साथ साथ रोचकता, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने के लिए। तो इस दृष्टि से जीवन दर्शन को समझने के लिए मेरा स्पष्ट मानना है, गांधी, टैगोर, अरविंद, विवेकानंद और विनोबा भावे, इनको पढ़ना चाहिए। गांधी जी की सर्वोदय पुस्तक, हालांकि गांधी जी की एक पुस्तक और है, जो लोग, पासे साहब, मेरे गुरुजी पासे साहब ने उसकी 100-150 प्रतियां खरीदी और हर जगह जहां भी जाते थे उसकी बात करते थे। गांधी जी का सर्वोदय दर्शन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आदि अनेकों बातें हैं। मैं फिर वो कहूंगा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी बात है। गांधी का भक्त नहीं हूं, एक वैचारिक रूप से मैं कहूंगा कि गांधी और विनोबा ने, और तत्कालीन के बाद मैं इनसे, विनोबा जी से भी मेरा एक बार आमने सामने हुआ, उनका मैंने लेक्चर सुना था। एक और इन्हीं के शिष्य ही कहूंगा मैं, दादा धर्माधिकारी, उनकी एक पुस्तक है लोक क्रांति के आयाम, और जिसमें उन्होंने कहा है कि विनोबा भावे डेमोक्रेसी को डेमोनक्रेसी कहा करते थे, राक्षस तंत्र, और बताते थे कि इस तंत्र में क्या कमियां हैं, कैसे सुधारा जाए, लोक क्रांति कैसे की जाए, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, समाज को जागृत कैसे दिया जाए, समाज को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कैसे उठाया जाए। यदि इन बातों को जानना है तो हमें गांधी, टैगोर, अरविंद, विवेकानंद, विनोबा भावे और फिर जैसे मैंने बताया दादा धर्माधिकारी, इनको पढ़ना ही चाहिए। एक और पुस्तक मेरा मानना है कि सारी दुनिया में जिसकी लाखों लाखों प्रतियां बिकी हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, स्वामी योगानंद द्वारा लिखित पुस्तक। मेरा मानना है कि दुनिया के हर अध्यापक को यह किताब पढ़नी चाहिए। मैं फिर कहूंगा पॉलो फ्रेरे का जो शब्द है, कॉन्सेंटाइज्ड, संचेतनीकरण, संचेतनीकरण की प्रक्रिया जो कि अध्यापक की होनी ही चाहिए,
उसके लिए ये किताब बड़ी जरूरी है। दो वॉल्यूम है, कम से कम हजार हजार पेज के। मेरी पत्नी डॉक्टर वशिष्ठ, सुधा वशिष्ठ ने इस पर पीएचडी की थी, रांगे राघव की कथा साहित्य में प्रगतिशील जीवन दर्शन। रांगे राघव जी की दो पुस्तकें हैं, महायात्रा गाथा, पहला वॉल्यूम है अंधेरा रास्ता और दूसरा वॉल्यूम है रैन और चंदा। इन दोनों किताबों में मानव की वानर से नर बनने में जो कहानी रही है, जो विकास रहा है, दोनों पुस्तकों में हो सकता है, मतलब संख्या इधर उधर हो सकती है, 200 के करीब कहानियां हैं। कहानियों से पहले प्रीलॉग है, कहानी के बाद एपीलॉग है, प्राकथन और उपसंहार कह सकते हैं, और उन कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के विकास की यात्रा कहने वाली किताबें हैं ये। मैं फिर कहूंगा कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी तक की जानने, एंथ्रोपोलॉजी जानने के लिए ऑल इन वन ये दोनों किताबें आप पढ़ लीजिए, आपको जीवन भर आनंद आएगा, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। जैसे नशेड़ी कहा करता है कि ये पुरानी शराब है, बहुत शानदार है, मैं कहूंगा कि इसी तरह से दे ये दो पुस्तकें, ये वो पुरानी शराब है, ये उत्कृष्ट देन है रांगे राघव जी की, जो मानव की कहानी बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं। हालांकि इनके टक्कर में एक और किताब है, छोटी किताब है, वो भी बराबर अच्छी है, वोल्गा से गंगा, राहुल संकृता हिंदी की, आपका मन है पढ़ने का जरूर पढ़िएगा, पर मैंने उसको अभी इसमें नहीं रखा है, क्योंकि जो डिटेलिंग है, एक एक डिटेल वो इस किताब में मिलती है, दोनों किताबों में, महायात्रा गाथा में। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, बहुत दिनों से रख रखी थी, मौका अब मिला है, मैं फिर कहूंगा कि अद्वितीय पुस्तक है रोमांसिंग विद लाइफ। फिल्मी दुनिया का एक नायाब हीरो है, हालांकि बलराज साहनी जी की भी बायोग्राफी मेरे पास है, मुझे शौक है, 300-350 बायोग्राफीज मेरे पास हैं। इसमें मैं केवल एक ही पेज का चार लाइन पढ़ूं, वो कहता है, फॉर ए क्रिएटिव डिजायर टू ग्रो इनसाइड यू, यू डू नॉट ऑलवेज नीड ए टीचर, यू मस्ट लुक डीप इनसाइड योरसेल्फ एंड ड्रा आउट द पैशन फॉर योर चोजन फील्ड। टीचिंग हेल्प्स अ लिटिल बट इट सीजेस टू बी अ गाइड आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, sometimes even becoming a hindrance, and finally you are as good or as bad as you can be. Talent goes hand in hand with presentability, which is the keyword for the world to recognize you. ये बात सच है, कड़वा सच है, presentability पर इन्होंने जोर दिया है। Upbringing, संस्कार, वातावरण, स्कूल का वातावरण किस तरह से, इन्होंने यहां तक कहा है कि एक जगह के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो पुराने जमाने का था, वो कहते हैं स्वेज नदी के इधर का बेस्ट कॉलेज यही था। मुझे नहीं मालूम, आपके लिए देखने के लिए, आप तय करें, पढ़िए, आपका मन है तो पढ़िए। मैं अक्सर यही कहा करता हूं कि मैं थोड़ा व्यंग में या थोड़ा इस तरह से कहा करता हूं कि जब जिन लोगों का दिमाग खराब हो वो किताबें पढ़ा करें, उस दृष्टि से जब आपका दिमाग खराब हो आप किताब को पढ़िएगा, आप को और आनंद आएगा दिमाग खराब करने में। एक सज्जन हुए हैं प्रेमचंद लाल, जॉर्ज एलन एंड अनविन लंदन वालों ने इनकी किताब, पहली इंडियन की किताब छापी थी, किताब का नाम है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। टैगोर के श्रीनिकेतन में जो प्रयोग किया गया था 1919, श्रीनिकेतन भी जब शुरू हुआ था, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनके जो शुरुआती दिन थे, एल के अल्महर्स्ट ने किताब इसी के साथ लिखी है, पायोनियर इन एजुकेशन। यदि इन दोनों किताब को मिलाया जाए तो कंप्लीमेंटरिटी बन जाती है। एल के अल्महर्स्ट काफी समय तक यहां आए और गांधी के साथ उन्होंने काम किया, तो वो जो सात रूरल अनाथ
गरीब परित्यक्त बच्चों के साथ, बच्चों के साथ जो एक्सपेरिमेंट शुरू होकर विश्व भारती बना, उसकी शुरुआती कला है, कहानी है। आप कल्पना करें कि 1930-32 के आसपास प्राइमरी स्कूल में 64 प्रकार के वर्क एक्सपीरियंसेस अवेलेबल थे कर्टसी टैगोर। हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कार्य अनुभव की बात करते हैं, अपना हेड हैंड एंड हेल्थ, हेड हैंड एंड हार्ट की बात करते हैं, ये एक अलग कहानी है। गांधी जी ने जब गुजरात के लिए एजुकेशन की बात आई तो वहां ये एक अलग कहानी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने टैगोर साहब से रिक्वेस्ट की थी और फिर उन्होंने उनके यहां से एक सज्जन गए थे और उन्होंने फिर गांधी जी के साथ कई महीने तक विचार विमर्श किया था और तब जाकर गुजरात शिक्षा का मॉडल आया था। एक शुद्ध बच्चे की साइकोलॉजी पर किताब उपन्यास है आपका, बंटी मन्नू भंडारी। छोटा सा बच्चा, उसकी मां प्रिंसिपल है, पिता से अलग रहती है, ऐसे में बच्चा क्या सोचता है, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, वो कैसे उन चीजों को अपनी नजर से देखता है। फॉर ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अकिन, अगेन आई विल से इट्स एन एलिक्सिर, ये एक अमृत पान जैसा है एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए मन्नू भंडारी की आपका बंटी को पढ़ने के लिए। दलित, गरीब, परित्यक्त और हर तरह से पिछड़ा हुआ, डूबा हुआ, अनाथ, जब दास प्रथा चल रही थी उस समय एक सच्ची कहानी किस प्रकार अमेरिका की सिविल वार का कारण बनी। हैरी बीचर स्टो मैडम है, हैरी बीचर स्टो से जब अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा समाप्त की थी तो उनसे मिले तो छूटते ही कहा कि अच्छा आप ही हैं जिनकी वजह से सिविल वार हुई है अमेरिका में। हैरी बीचर स्टो की बहुत शानदार, दुनिया की मैं फिर कहूंगा, मैंने तो 25 किताबों में लिस्ट में नाम रखा इसका, अंकल टॉम्स कैबिन, टॉम काका की कुटिया, मैं फिर कहूंगा इट्स ए वर्ल्ड क्लासिक। एक दलित परित्यक्त बूढ़ा दुखी दास, अंकल टॉम किस प्रकार एक व्यक्ति लेखक, समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, वह है टॉम काका की कुटिया। आप पढ़िए, अलग से मजा आएगा। आधुनिक संदर्भों में जब हम कहानी, बड़ी इसकी रुचिकर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपने किसी पुराने एल्यूमिनाई से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे एल्यूमिनाई के लिए, हमारी सक्सेस स्टोरीज के लिए किताब लिखिए। उस महिला ने वो किताब इतनी लिखी और इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने फिर अपना नौकरी छोड़ छाड़ दी और परमानेंट लिखने में आ गई। अभी भी जिंदा है, यंग है, रश्मि बंसल। उन्होंने हालांकि 5 किताबें लिखी हैं पर उनकी पहली किताब ने जो तहलका सारी दुनिया में मचाया वो थी स्टे हंग्री स्टे फुलिश। एक अध्यापक को ये किताब पढ़नी ही चाहिए कि किस प्रकार एक संघर्ष करके हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार मेरी बैटरी वो हो रही है, मैं ऑन कर देता हूं स्विच जरा। तो किस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है यदि वो करना चाहे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट।
एक और किताब आई है संजीव सान्याल की, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, 4-5 साल पहले किताब आई है। उस किताब में संजीव जी ने ये बताया है कि संजीव सान्याल जी कहते हैं कि भारत का यदि ज्योग्राफिक कहानी मानी लिखी जाए, द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें उन किताब का नाम है द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, आधुनिक संदर्भों में ये एक बहुत शानदार किताब है। हमें फिर मैं फिर रेकमेंड करूंगा कि हमें पढ़ना चाहिए। एक और किताब इसी सीरीज में सारे विश्व में प्रसिद्ध हुई और आजकल अभी भी जोर मार रही है, वो है हरारे की सेपियंस द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन। तो जिस तरह रांगे राघव जी ने मानव का इतिहास दिया, उसका पूरा बायोलॉजिकल हिस्ट्री दी है हरारी साहब ने, और इसी तर्ज पर सबसे पहली किताब आई थी 1960-70 के आसपास, नेकेड एप बाय डेसमंड मॉरिस, और इसका सब टाइटल है द जूलॉजिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन एनिमल। कि मान लो यदि हम चिड़ियाघर में हर जानवर का अध्ययन करें, है एक एक जानवर को ले, और यदि एक मानव को रख दें और मानव का अध्ययन करना चाहें हम, तो वो क्या निकलेगा? मानव का बायोलॉजिकली अध्ययन किया जाए तो क्या वो निकलेगा, सच निकलेगा? इस दृष्टि से ये किताब लिखी गई थी। तो मैं कहूंगा कि नेकेड एप का एडवांस वर्जन है सेपियंस द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन। मैं फिर दो किताबों का नाम लूंगा, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, बर्टन रसल एंड व्हाइटहेड। बर्टन रसल को नोबेल प्राइज मिला था, व्हाइटहेड को, दोनों को साथ साथ नोबेल प्राइज मिला प्रिंसिपिया मैथमेटिका पर। बर्टन रसल की द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और बर्टन रसल की अपनी ऑटोबायोग्राफी, साथ ही व्हाइटहेड की ये एम्स ऑफ एजुकेशन, मैं फिर कहूंगा दुनिया की बिरले किताब है। एम्स ऑफ एजुकेशन में 5वां चैप्टर है द आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी। मैं इस बात को बार बार जिक्र किया करता हूं जहां भी जाता हूं, जब भी जाता हूं। आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी में एम्स ऑफ एजुकेशन में किताब में लिखते हैं व्हाइटहेड साहब, दुनिया में लाखों शिक्षक आते हैं, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं और अनसुने ही कोई उनके उनका कोई प्रचलित नहीं होते, अनसंग उन्होंने कहा है, कोई उनकी गाथा नहीं गाता और अपने आप चले जाते हैं और मर भी जाते हैं। आगे लिखता है, फॉर्चुनेटली वन ऑफ देम इज स्टिल अलाइव अलाइव डैश सॉक्रेट्स। व्हाइटहेड की अपनी फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म। बर्टन रसल ने एक जगह लिखा है कि इफ देयर इज एनीथिंग कॉमन बिटवीन मी एंड व्हाइटहेड, इट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका, क्योंकि दोनों के व्यू बिल्कुल अलग थे। बर्टन रसल लॉजिकल पॉजिटिविस्ट और बिल्कुल रियलिस्ट और ईश्वर में विश्वास ना करने वाले, जबकि व्हाइटहेड मिस्टिसिज्म में विश्वास करने वाले। बड़ा शानदार रीडिंग है। एक और किताब का मैं जिक्र करूंगा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी अभी जिंदा हैं, दिल्ली में दिलशाद गार्डन में रहते हैं, मैं मिलकर आया था, इनके पीएचडी गाइड थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, हिंदी के विभागाध्यक्ष, तकनीकी रूप से 10वीं पास भी हैं शायद, तकनीकी रूप से, उन पर कोई बीए एमए की डिग्री नहीं है, पीएचडी की डिग्री नहीं है। ये फिर एक बड़ी सुंदर गाथा है, टैगोर साहब ने उनको यहाँ के मंदिर की पूजा के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे इनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उनको यहाँ अपने यहाँ प्रोफेसर हेड बनाया, उनको बीएचयू में आए, यहाँ से दिल्ली भी गए शायद और फिर पंजाब में रहे। एक अध्यापक कैसे बनता है, एक अध्यापक के निर्माण की क्या वो है, आचार्य हजारी प्रसाद जीवन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का विकास या उनके व्यक्तित्व का विकास, या मैं कहूंगा उनके शिक्षकत्व का विकास जानने के लिए ये बहुत शानदार किताब है,
व्योमकेश दरवेश। मैं बार बार देख रहा हूं, मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं? हाँ, अब शायद जुड़ पाएगा। व्योमकेश दरवेश महती, ये जुड़ नहीं पा रहा है, मेरा चार्जर मुझे तंग कर रहा है। व्योमकेश दरवेश आप पढ़िएगा, हिंदी की किताब है, हिंदी के लेखक ने लिखी है, अपने गुरुजी के लिए लिखी है, और उसमें द मेकिंग ऑफ ए टीचर, मैं कहूंगा कि बीएड के लिए एक अध्यापक का निर्माण कैसा होता है, बीएड के छात्र के लिए, बीएड के अध्यापक के लिए एक शानदार पुस्तक है। एक और तरह की किताब आई है, लखनऊ के ही लेखक थे अमृतलाल नागर जी, उनकी एक किताब मेरे गुरुजी प्रोफेसर आर एन मेहरोत्रा जी, जो एनसीटी एंड नॉर्थ रीजनल कमेटी के चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, प्रोफेसर मेहरोत्रा जी ने मुझे रिकमेंड किया, उस किताब को मैंने पढ़ा, नाचियो बहुत गोपाल। उसमें एक सच्ची कहानी कही गई है, एक ऊंचे घर की ब्राह्मण की लड़की की, जिसका एक दलित मेला ढोने वाले, मल ढोने वाले परिवार में उसने लव मैरिज कर ली। वहां उसने क्या संघर्ष किया उस समाज को उठाने में, उस समाज की क्या समाज और संस्कृति और क्या सोच, रहन सहन, खान पान, पहनावा, किन हालातों में उसने संघर्ष करके वो कुछ काम कर पाई, उसकी सच्ची कहानी प्रस्तुत करते हैं अमृतलाल नागर जी, नाचो बहुत गोपाल। मैं एक और किताब का दीवाना हूं, वो मेरी फिर मैं कहूंगा प्रिय किताब है, अभी आए भी थे 2 साल पहले लखनऊ में, मैं उनसे मिला भी था, बातचीत भी हुई थी, फोन नंबर भी हम लोगों ने एक्सचेंज किया, प्रोफेसर नरेंद्र कोहली साहब दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर हुए, उन्होंने 8 वॉल्यूम की लिखी है रामकथा, दीक्षा, अग्नि, अवसर, अभियान, संघर्ष, युद्ध, विजय, फिर 8 वॉल्यूम की एक और मोटी किताब लिखी, समर गाथा। रामायण यदि आज के संदर्भ में देखें, यदि उस समय के चमत्कारों को हटा दें और उनकी तरह अलग तरह से व्याख्या करें तो क्या हुआ होगा आज के संदर्भ में, समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए, एक सुंदर वॉल्यूम्स हैं, 8 वॉल्यूम समर गाथा। मुझे अभी भी याद है, वो कहते हैं ना कि वो ऐसे ही थोड़े हुआ है, ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में पहले लेक्चर्स हुआ करते थे, मैं लेक्चर होने के बाद तत्काल पहुंच जाता था, इस किताब का 1 वॉल्यूम खरीद लाता था, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह से 6-8 बार जाकर मैंने सारे पैसे से ये किताब खरीदी थी। हालांकि मेरे किसी छात्र को ये किताबें मुझसे ज़्यादा प्रिय थी, अब इसमें 8 में से 5 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम बचे हैं मेरे पास। खैर, मैं बार बार उनको फिर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत शानदार पुस्तक है। एक और रंग है जीवन का, महाश्वेता देवी, झारखंड, कोयले का, खदानों का क्षेत्र, उधर से उत्तरी बंगाल, यहां आदिवासी समाज में क्या परिस्थितियां हैं, क्या गरीबी है, क्या विषमताएं हैं, क्या शोषण है, उस पर महाश्वेता देवी जी ने अपनी कलम चलाई है। जंगल के दावेदार उनकी पहली किताब है, जंगल के दावेदार, छोटी मुंडा और उसका तीर, छोटी मुंडा उनकी प्रसिद्ध किताबों में से है। इसी श्रृंखला में मैं फिर एक सीरीज का नाम लूंगा, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, सुवर्ण रेखा, अब नाम याद नहीं आ, बंगाली लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, एक महिला, एक लड़की क्या संघर्ष करके पढ़ने की जिद करती है,
लेकिन वो समाज नहीं मानता, शादी बाल विवाह कर दिया जाता है, फिर उसकी लड़की वही संघर्ष करती है, फिर उसकी लड़की वही संघर्ष करती है। बाल शिक्षा, विशेष रूप से बालिका शिक्षा में जो संघर्ष भारतीय समाज और संस्कृति को करने पड़े हैं, और भारतीय संस्कृति जिस तरह से आड़े में आई है उस पर बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। उनकी एक पुस्तक है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण लता है शायद। एक और ऑथर है, बच्चों का प्रिय ऑथर रहा है लेकिन मुझे बहुत प्रिय है, उस पर पुस्तकें भी आई हैं, फिल्में भी आई हैं, उसकी नीली छतरी फिल्म का भी मैंने जिक्र करना चाहूंगा मैं, रस्किन बॉन्ड। देहरादून से मसूरी के रास्ते में लंडौर एक जगह आती है, वहां रस्किन बॉन्ड साहब रहते हैं, अभी भी हैं, बड़ी उम्र हो गई है। एक जगह वो व्यंग में कहते हैं उन्होंने एक परिवार को गोद लिया था, पहले एक उनका सर्वेंट था, उस सर्वेंट धीमे धीमे उनके परिवार का अंग बन गया, और फिर उसके बच्चे हुए, उसके भी बच्चे हुए, वो सब उनको बाबा कहते हैं। ये एक बार इंग्लिश थे, व्यक्ति थे, स्वतंत्रता के बाद एक बार इन्होंने सोचा कि अमेरिका ब्रिटेन जाऊं, हो हा के आए, लेकिन वापस गए, मुझे इंडिया ही अच्छा लगता है। दुनिया के अच्छे लेखकों में से है। तो एक जगह वो व्यंग से कहते हैं कि मुझे ये परिवार पाल रहा है या मैं इनको पाल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, दोनों बातें रैंडम गड हो गई है। एक और ऑथर है, मेरा प्रिय ऑथर है, मैं फिर मानूंगा नहीं, हालांकि फिल्मों की बात अभी रह रही है, मैं 5-1 फिल्मों के नाम बता दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा तो अच्छा, 25 ना सही, 5 सही, लेकिन उस ऑथर को मैं जरूर बताऊंगा। मेरा बचपन, जीवन की राहों पर, मेरे विश्वविद्यालय, मक्सिम गोर्की की लिखी हुई 3 पुस्तकें हैं। हालांकि इनकी एक और किताब माँ ज्यादा प्रचलित हुई, ज्यादा चली है, लेकिन इन 3 पुस्तकों में एक गांव के, रिमोट गांव के व्यक्ति को बचपन में किस संघर्ष, मानसिक संतरास और पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कहीं भी वातावरण फेवरेबल नहीं है, और उस वातावरण में एक व्यक्ति कैसे अपनी जगह बनाता है। वो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन उसने किताब लिखी, उस विश्वविद्यालय नहीं गया लेकिन उसने किताब लिखी, मेरे विश्वविद्यालय। पढ़िए, आनंद आ जाएगा, एक नया अनुभव होगा। मेरा बचपन, जीवन की राहों पर, मेरे विश्वविद्यालय। मेरे विश्वविद्यालय से मुझे एक वो प्रकरण याद आ रहा है, वो कहता है कि मेरा विश्वविद्यालय वो जूते की दुकान था जहां मैं नौकर था, और मेरे पड़ोस का दुकानदार मुझे रोजाना कान मेटता था और थप्पड़ मारता था कि मैं उसको जूते चुरा कर दूं, और मैंने जूते नहीं चुराए। ये सबक मैंने उस जगह से सीखा, तो किस तरह अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना चाहिए, वो मेरे लिए वो मेरा विश्वविद्यालय था। वो लिखता है कि मेरा विश्वविद्यालय वो तवायफ था, वो वैश्यालय था जहां वैश्याएं किस प्रकार जीवन की सुंदरता, जीवन की सरसता और अच्छी जीवन को जीने की रास्ता ढूंढती थी, वहां से मैंने ह्यूमन वैल्यूज सीखी है। लास्ट 2 किताबें और दूंगा मैं, मेरे ख्याल से आज मुझे फिर ये लगता है ही खत्म करना पड़ेगा। रैंडी पॉश का एक किताब है लास्ट लेक्चर, उसे पता चल गया, एक प्रोफेसर साहब थे मेलन कार्नेगी यूनिवर्सिटी में, और वहां प्रथा है कि एक व्यक्ति के जब रिटायर होता है तो उस रिटायरमेंट से पहले उससे कहा जाता है कि लेक्चर दो। कहेगा मेरा दिक्कत ये थी कि मेरी, मुझे पता चल गया था कि मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर है और 6-8 महीने में मुझे मर जाना है, तो मेरे लिए वास्तव में ही लास्ट लेक्चर था, तो वो लेक्चर उसका जो था। ठीक इसी तरह से एक किताब है ट्यूजडेज विद मौरी, जिसका हिंदी में तर्जुमा हुआ है हर मंगल मौरी के संग। यह किताब फिर जीवन के अनुभवों को, जीवन की वैल्यूज को जानने के लिए बहुत सुंदर किताब है। लास्ट एक किताब और बताऊंगा, ब्रायन वेस्ट की किताब है। अभी ब्रायन वेस्ट साहब जिंदा हैं, मैं भी 2 बार जब अमेरिका गया तो पिछले 2 बार उनसे बातचीत भी हुई मेरी, हम मिल नहीं पाए बाई चांस। उनकी किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, हम सबको पढ़नी चाहिए जीवन। इन सब के बाद मैं एक और कहूंगा कि बायोग्राफीज, 50 लोगों की बायोग्राफीज हमें जीवन का सबक देती है, पढ़ना चाहिए। खैर, अब मैं फिल्मों पे आता हूं।
कोशिश करूंगा, हालांकि मैंने 26 फिल्मों का नाम लिखा है, मैं 5 फिल्मों के ही नाम बताऊंगा, या फिर मैं कहूंगा कि अगली बार फिर डिटेल में इनसे फिर बात करेंगे। टू सर विद लव, 3-4 साल पहले बात डेथ हुई है ब्रेथवेट साहब की, उन्होंने अपने जीवन पर ही, अपने अनुभवों पर ही, ब्रिटेन के एक स्कूल में जहां गरीब और ब्लैक काले बच्चे रहते थे और व्हाइट टीचर था, अकेला व्हाइट टीचर था, वो स्कूल के भी माना जाता था कि अपराधियों का स्कूल है, बदमाश हैं, स्काउंडल्स हैं, उस स्कूल में वो व्यक्ति क्या कुछ गुल खिलाता है, इस पर किताब भी है और इस पर फिल्म भी है। मैंने किताब भी पढ़ी है, फिल्म भी देखी है, अद्वितीय है, बीएड एमएड के छात्रों को पढ़नी ही चाहिए, किताब फिल्म देखनी ही चाहिए, पर्चे फिल्म देखिए। पर्चे फिल्म में जितेंद्र, एक घर के 4 बच्चे जो बिगड़े हुए हैं उनको किस तरह सुधारते हैं, उनके पर है। मेरे जीवन में मुझ पर जिस किताब ने सबसे ज्यादा, जिस फिल्म ने मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, वो फिल्म और किताब सत्यकाम। आप फिल्म देखिए, आप किताब पढ़िए। मैं कहूंगा, यदि मुझसे कहा जाए कि एक ही किताब, एक ही फिल्म ढूंढो, तो मैं सत्यकाम कहूंगा। मेरी नंबर 1 फिल्म है। 1970-71 के आसपास फिल्म देखी थी, एक भुवन शोम, बंगाल के ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों की सहजता और सरलता जीवन में किस प्रकार रंग भर सकती है, इसका उदाहरण है। सुपर 30, कलकत्ता के आनंद कुमार साहब, फिल्म भी बनी है और आज ये व्यक्ति, आज भी इनका एक समय पर कई सालों तक रिकॉर्ड रहा इंडिया का, 30 के 30 आज दलित बच्चे लेते थे, गरीब परिवारों के, उन बच्चों के 30 के 30 आईआईटी में आते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 1 साल 2 साल 3 साल वहां आईआईटीज में अपना ट्रेनिंग लेते हैं, अपना यहाँ बंसल क्लास या एलएन क्लासेस में जाकर वहां ट्रेनिंग लेते हैं, कोटा में जाकर, तब भी दाखला नहीं हो पाता। ऐसे में वो अद्वितीय 30 के 30, वो भी दलित और गरीब और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, 30 के 30 बच्चे आईआईटी में आते हैं, इसकी सुंदर कहानी है, सुंदर फिल्म है सुपर 30। आनंद फिर मैं कहूंगा, सत्यकाम के बाद मैं आनंद फिल्म को कहूंगा। 3 इडियट्स का मैं नाम लूंगा और 2 फिल्मों का और नाम लूंगा उसके बाद, क्योंकि 5 बजने जा रहे हैं, मेरा समय बल्कि ज्यादा हो चुके हैं। 2 फिल्मों का मैं नाम और लूंगा अभी। एक नील बटे सन्नाटा, गरीब बच्ची है, गरीब माँ है, बच्ची को पढ़ना चाहते हैं, बच्ची सोचती है पढ़ के क्या करूंगा, पढ़ने में कोई मतलब ही नहीं है, माँ चाहती है कि पढ़े हमारी और अपनी दोनों की जिंदगी सुधारे, बच्ची पढ़ नहीं पाती, माँ फिर किसी की सलाह पर खुद पढ़ने जाती है, बच्ची फिर नाराज होती है, कंपीट लो सोचती है मेरी कंपटीटर आ गई, मेरे से वो आ गई, मुझे 30 वो बन रही है, 30 मार्क का बन रही है, फिर वैमनस्य सा होता है माँ बेटी में, फिर उसमें धीमे धीमे किस प्रकार अपनी माँ, वो माँ अपने पीड़ा संघर्ष से बच्ची को प्रेरित करती है पढ़ने के लिए, इसकी सुंदर कहानी है नील बटे सन्नाटा। और अभी मैंने हाल में ही फिल्म देखी है, कहानी सुनी जरूर थी, झारखंड के दशरथ मांझी की कहानी। दशरथ मांझी ने, चूंकि उतनी उसकी पत्नी मर गई और उसका इलाज नहीं कर पाया, इसलिए उसने 22 किलोमीटर की सड़क को, 22 या 23 जो भी था, मुझे 25 27 होगी, 22 साल में जाकर उसने खोद पाया था और रास्ता, पहाड़ को काट कर उसने रास्ता बनाया। अकेला आदमी जो सरकारें हजारों की तादाद में करती हैं, वो अकेले उस व्यक्ति ने काम किया, दशरथ मांझी ने। बहुत शानदार फिल्म है, आप देखिए, मजा आएगा। मैं माफी चाहता हूँ, और बहुत सी फिल्में हैं, बहुत सी किताबों की मैं बात करना चाहता था। एक मेरा बार बार कहना है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए,
जीवन का आनंद, अध्यापक का एक सीक्रेट, अध्यापक का एक सूत्र, अध्यापक का एक बड़ा कारक, किताबें पढ़ना है, अच्छी फिल्म देखना है, अच्छे समाज में रखिए, अच्छी सोहबत रखिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छी कल्पनाएं कीजिए। अध्यापक के लिए, विशेष रूप से अध्यापक प्रशिक्षक के लिए ये बहुत जरूरी है और इसमें किताबें एक बहुत शानदार भूमिका अदा करती हैं। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ जी, मेरे ख्याल से शायद इसमें प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं है। सोमू जी, हम समाप्त करें? जी सर, मैं अभी नेटवर्क से चला गया था, मैं अभी जुड़ गया। अच्छा, मैंने अपनी बात कह दिया, हालांकि बहुत कुछ रह जाता है, अन कही ही रह गई वह बात, सब बातों के बाद बहुत कुछ रह जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, तभी तो सर हम आपको पुनः याद करेंगे और फिर हमारे बीच आपकी रहेंगे, ये कड़ी चलती रहेगी। ये मेरे जीवन का आनंद है, इट्स ए एलिक्सिर ऑफ माय लाइफ। जी सर, ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप जैसे शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक अपने ज्ञान का खजाना एक अमृत वर्षा के रूप में, उसे हम मान रहे हैं अभी सब लोग, जितना कमेंट में देख रहा हूं। कभी कभी ऐसे व्याख्यान जो हमको पूरे जीवन भर के लिए एक होमवर्क दे देते हैं, जीवन भर के लिए होमवर्क देते हैं, तो सब कम होते हैं। और उन उन व्याख्यानों में से ये एक महत्वपूर्ण व्याख्यान ये है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जैसा सबने सुना और सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि 10,000 पुस्तकें सर की लाइब्रेरी में हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स और खासकर से स्टूडेंट्स जो सुन रहे होंगे, और सर की आवाज आपने अभी सुनी होगी, कितनी साफ, कितनी स्पष्ट, और उसमें एक विशेष, जैसे कहते हैं ना कि जैसा शिक्षक की आवाज युवावस्था में रहती है, वैसी आवाज हम लोग भी उस तरह से अगर बोले तो कहीं ना कहीं सर की एक साधना जिसे हम कह सकते हैं, उसका आज आपने एक तरीके देखा एग्जाम्पल। एक टीचर को निरंतर, यदि टीचर अध्ययनशील रहे तो उसका असर बहुत आयामी रहता है उसके व्यक्तित्व पर, और वही हमने अभी देखा। निश्चित रूप से पिछली बार भी सर ने इसी तरह हम सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार किया था, एक दिशा दिखाई थी, एक मार्ग दिखाया था, और बार बार सर ने ये कहा है कि इन 60 बुक्स को बीएड के स्टूडेंट विशेष रूप से पढ़ें, शिक्षक जरूर पढ़ें। बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना मत, अपना मूल्यांकन और जो निष्कर्ष है कि कम से कम इसको जरूर पढ़ें। और उसमें क्या कहा गया है, किसने लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, और उस पुस्तक ने क्या बदलाव लाया, उसकी व्यापकता कैसी थी, चाहे वो भारतीय चिंतक रहा हो, भारतीय लेखक रहा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लेखक रहा हो। मैं उन पुस्तकों का अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो समय लगेगा। आप सभी जो बाद में जुड़े हैं, इस लेक्चर को इत्मीनान से देखें, और कई बार इसको पॉज करना पड़ेगा आपको नाम नोट करने के लिए, और करिए आप, पॉज करके नाम नोट करेंगे तभी इसका लाभ ले पाएंगे आप निश्चित रूप से। और ये करना पड़ेगा, और एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी हमको कि हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत किससे करें, और अपनी रुचि और विषय के हिसाब से शुरुआत हमको कर देनी चाहिए। साथ ही साथ करने फिल्में भी बताई, और फिल्में ऐसी जिन पर पुस्तकें भी हैं और जिन पर फिल्म भी है, दोनों ही चीजें हमें देखनी भी चाहिए, फिल्म और हम पुस्तक भी पढ़ें। बिल्कुल, कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूं कि हमने नोट कर लिया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल ये होना चाहिए। तो एक ऐसी क्लास थी कि बिना पेन पेपर लिए आप बैठेंगे तो कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपने ये काम किया है तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। हम सभी, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो या शिक्षक प्रशिक्षक हो, और मैं देख रहा था कि पिछली बार के व्याख्यान में सर ने कई पुस्तकें इस बार पिछले एक साल के अंदर, चूंकि एक साल का ही समय हो गया लगभग, इस बीच सर ने कई पुस्तकें और पढ़ ली,
और उनको भी सर ले आए हमारे बीच, लीजिए आप ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो भी बताया। मतलब ये चीजें हमें कितना प्रेरित करती हैं, कितना मोटिवेट करती हैं, कितना इंस्पायर करती हैं, ये सचमुच में ऐसे व्याख्यान हम सबको एक दिशा दिखाते हैं। सर हम सभी प्रतिभागियों की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से, सभी शिक्षक प्रशिक्षकों की तरफ से जो इस कार्यक्रम से जुड़े और इस रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में भी सुनेंगे, उन सब की ओर से आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। और बाबा विश्वनाथ से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, निरंतर पढ़ते रहें और शिक्षक के रूप में आपकी ऊर्जा और बढ़े, और हम सभी का मार्गदर्शन, हम सभी को आशीर्वाद, हम सभी को एक रास्ता। विषय की चीजें बहुत पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में बहुत लोग बताने वाले हैं कि इसको कहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन जीवन, जीवन को दिशा, जीवन को कैसे बनाएं, एक समझ को व्यापक दायरा कैसे दें, समझ को और उन्नत कैसे बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में, राष्ट्रीय संदर्भों में, राष्ट्रीय भावना के संदर्भों में, स्थानीय देशज ज्ञान की अगर हम बात करें, गिजुभाई बधेका का जिक्र आया, बार बार सबने कहा गांधी को पढ़िए, विनोबा भावे को पढ़िए, श्री अरविंद को पढ़िए, कितनी अद्भुत बात है। ये संगम है, ये संगम है पुस्तकों का जो सर के बुखार बिंदु से निकला और एक शिक्षक के लिए और अद्वितीय है। और शिक्षक इस रूप में कभी कोई व्याख्यान देता भी नहीं है, आप देखेंगे ये तो सर ने खुद ही चुना कि मुझे इस पे बोलना है, मुझे ये बात रखनी है। तो ये आप सर इतना सोचते हैं और इस पूरी कम्युनिटी को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे एजुकेशन के, टीचर एजुकेशन के, उनके लिए आज का व्याख्यान अद्वितीय है, लाभदायक है, प्रेरणादायक है। और भविष्य में हम सब आपको सब पुनः चाहेंगे कि जब आपको याद करें, आप आए उस पूरी कम्युनिटी को जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, सब लिमिटेशंस हैं कि आप सबके चेहरे नहीं देख पाए, ये आपको एक तकलीफ हुई होगी, क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है शिक्षक के रूप में सबके चेहरे दिखें, चेहरे देख करके उनका एक फीडबैक मिलता है, लेकिन लिमिटेशंस हैं सर। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर सर इस कार्यक्रम में लोग जुड़ते हैं कि सबके चेहरे देखना भी स्क्रीन पे बड़ा कठिन हो जाता है। इस कार्यक्रम में सर 1000 से अधिक विद्यार्थी लाइव जुड़ते हैं और रिकॉर्डेड होने के बाद भी 10 से 12 15000 विद्यार्थी इसको रिकॉर्डेड देखते हैं हमारे टीचर एजुकेशन के, तो वो भी एक हमारा विशेष लाभ है जो मिलता है। आपको सुनना, आपको देखना, आपके मुंह से जो भी बातें हम सब ने आज सुनी है, वो हम सबके जीवन को निश्चित रूप से दिशा देंगी, एक बदलाव करेंगी, और वो बदलाव सकारात्मक ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, पूरा मानना है। अब बहुत अधिक विलंब न करते हुए सर मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं अपने इस कार्य को और ऊर्जा के साथ आप सभी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े रहे उनके लिए सूचना है कि आप सभी हमारे इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़े, और केवल जुड़े ही नहीं, आप इस व्याख्यान श्रृंखला से अपने सहपाठियों को, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो भी आपके साथ आपके दोस्त हैं, उनको जोड़ें। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे शिक्षाविद हैं और उनके पास ज्ञान का खजाना है जो पाठ्यक्रम से इतर आपके जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, इस शिक्षा शास्त्र डिसिप्लिन को एक दिशा दे सकते हैं, इस शिक्षक शिक्षा के मॉडल में आमूलचूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं उनसे जब रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक बात कि सर इस कम्युनिटी को आप गाइड कीजिए। ये कम्युनिटी स्टूडेंट्स की है, टीचर्स की है, टीचर एजुकेटर्स की है, फैकल्टी मेंबर्स की है, लेक्चरर्स की है, और आप अपनी पसंद का विषय चुनिए, आपकी जो चिंताएं रही हैं, आप इस कम्युनिटी को जिस दिशा में
लेना ले जाना चाहते हैं, इनको कुछ एक सूत्र रूप में कुछ चीजें देना चाहते हैं, वो दीजिए। पाठ्य विषय वस्तु सिलेबस की चीजें बहुत मिल जाएंगी आपको। तो हमारा निवेदन है, आप सभी विद्यार्थी इस मंच से जुड़े आकर के, और हमारे जो भी व्याख्यान, हम वीकेंड पर ही व्याख्यान करते हैं, और हम वीकेंड पर शनिवार और रविवार को आप सभी के बीच आते हैं। आपके जो भी कमेंट आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, हम उनको उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के आधार पर विषय वस्तु का चुनाव, या आप अगर किसी विशेषज्ञ का या किसी शिक्षाविद का नाम सुझाते हैं, हम सम्मान पूर्वक उनसे संपर्क करते हैं, और जब भी उनके पास समय की उपलब्धता होती है उनसे बात करके उनका व्याख्यान आयोजित करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी वर्किंग डेज में अपनी अपनी संस्थाओं में अलग अलग दायित्वों से आबद्ध हैं। कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक प्रशिक्षक है, आप विद्यार्थी हैं, कक्षाएं भी चलती हैं, तो हम इसको ऑफ टाइम में ही 5 बजे के बाद या संडे को किसी भी टाइम में रखने की कोशिश करते हैं। कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है आदरणीय पद्मश्री जगमोहन सिंह राजपूत सर का, तो सुबह 11 बजे से ये व्याख्यान है, गुणवत्ता व गतिशीलता के आधार विषय पर वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप उस कार्यक्रम से भी जुड़ें, उसकी लिंक हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। समय पर आप आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। यही कुछ सूचनाएं थी जो आपको साझा करनी थी। आप सभी इस कार्यक्रम से बने रहे, इस कार्यक्रम से जुड़कर आपने व्याख्यान को पूरा सुना, मेरी तरफ से व्यक्तिगत आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।